प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया सेवा विस्तार तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बनाया उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सलाहकार। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत का नाम है अवनीश अवस्थी। योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में भी कायम रहेगा अवनीश अवस्थी का प्रभाव। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ अवनीश अवस्थी को यूपी के लिए मानते हैं जरूरी, इस रिपोर्ट में देखिए कि अवनीश अवस्थी आखिर क्यों बन गए हैं इतने महत्वपूर्ण, इस ताकत के पीछे, इस प्रभाव के पीछे आखिर क्या है रहस्य। अवनीश का अर्थ होता है पूरे धरती का ईश्वर, यानी पूरे पृथ्वी पर राज करने वाला। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का अखंड सौभाग्य उनके साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी कायम है। यह सौभाग्य कठिन परिश्रम का प्रतिफल है, क्योंकि हिंदू दर्शन भाग्य और कर्म के संतुलन से ही प्रतिफल की परिभाषा देता है। उत्तर प्रदेश पर ईश्वर की कृपा से सूखे के बाद घनघोर वर्षा हो रही है, तो कहीं अतिवृष्टि से जान माल की क्षति भी हुई है। मीडिया की खबरों में मौसम हावी था, इसी बीच अवनीश अवस्थी ने एक बार फिर खबरों का मौसम ही बदल दिया और सारी खबरें उनकी ओर केंद्रित हो गई। सेवानिवृत्ति के बाद वह फिर से सेवा सक्षम हो गए हैं। वैसे तो आईएएस की सेवा में लगातार 3 दशकों तक वह शक्तिशाली रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के योगी आदित्यनाथ के शासन में देश की जनता ने उनकी शक्ति का चरम देखा और उनके प्रभाव का पराक्रम देखा। पिछले दिनों सेवानिवृत्ति होने के बाद जब केंद्र की सरकार ने उनका सेवा विस्तार नहीं किया, उनकी फाइल को हरी झंडी नहीं दिखाई, तो तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर योगी आदित्यनाथ के राइट हैंड कहे जाने वाले अधिकारी को मोदी सरकार ने सेवा विस्तार क्यों नहीं दिया। अवनीश अवस्थी ने पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। कहने को तो वो लगभग आधा दर्जन विभागों का संचालन करते थे, लेकिन यथार्थ रूप में वह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए 360 डिग्री यानी सभी दिशाओं में काम करते थे। अवनीश अवस्थी अघोषित रूप से उत्तर प्रदेश के सभी विभागों की कार्यशैली पर नजर रखते थे और योगी आदित्यनाथ की छवि एक ईमानदार दबंग मुख्यमंत्री के रूप में जनता के दिलों में बने, इस बात के लिए वह काम करते रहे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन हो या फिर राजनीतिक माफियाओं की कमर तोड़ना, प्रमुख सचिव गृह के रूप में अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐतिहासिक रूप से ताकतवर और जवाबदेह बनाया। नागरिकता कानून को लेकर सांप्रदायिक दंगों में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कठोर रवैया अपनाया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बड़ी मुस्लिम जनसंख्या होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सबसे कम नुकसान हुआ और अधिकांश क्षेत्र नियंत्रण में रहा, हालात शांतिपूर्ण रहे। विकास के मोर्चे पर भी अवनीश अवस्थी ने योगी आदित्यनाथ का मान बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे देने वाला प्रदेश बन गया। योगी सरकार के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जनता को सौंपे गए। इसके अलावा आधा दर्जन एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं। यूपी के कई जिलों में डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, जो कि अवनीश अवस्थी की ही प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश आयुध निर्माण का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। इसके अलावा दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करके अवनीश अवस्थी ने उत्तर प्रदेश सरकार के ओवरऑल बेहतर परफॉर्मेंस पर फोकस किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंच जाते थे और सुबह ही उन्हें पूरे प्रदेश के बारे में अपडेट कर देते थे। इसके बाद सारा दिन वह कठिन परिश्रम करते थे। उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों से वह लगातार संपर्क में रहते थे। कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुई तो तुरंत ठोस कार्रवाई होती थी और देर रात सोने के पहले भी वो मुख्यमंत्री योगी को उत्तर प्रदेश के हर जिले के बारे में पूरी जानकारी देते थे। कोरोना काल में भी अवनीश अवस्थी के प्रदर्शन की सराहना हुई। जब पूरा देश एक बार निराशा के बादलों में खोने लगा था, उत्तर प्रदेश में बहुत मौतें हो रही थी, तब अवनीश अवस्थी ने मोर्चा संभाला
उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी सुधारा और लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में कायदे से लागू किया। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था हो या फिर दूसरे प्रांतों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं की, हर जगह अवनीश अवस्थी का मैनेजमेंट आगे दिखाई पड़ रहा था। अवनीश अवस्थी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई बार तो जिले के DMSP से पहले घटनाओं की सूचना सीधे उनके पास आ जाती थी। उनका नंबर उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों के पास है। उनका पर्सनल मोबाइल हमेशा बजता रहता है और वो अधिकांश फोन कॉल उठाने का पूरा प्रयास करते हैं और कॉल बैक भी करते हैं, जिससे उनका एक अपना मजबूत इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमेशा एक्टिव रहता है और उत्तर प्रदेश के हर जिले के बारे में कोई भी अहम सूचना उनसे छूटती नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे अवनीश अवस्थी को यह सब करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वह रात में कुछ घंटे ही अपने लिए निकाल पाते थे। 20 घंटे से ज्यादा वह स्वयं को एक्टिव रखते थे, अलर्ट रहते थे। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने उनकी कार्यशैली को पसंद किया। अवनीश अवस्थी ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित किया और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी नहीं मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने अवनीश अवस्थी को और अधिक समय तक ताकतवर बनाए रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बहुत से मायने हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अवनीश अवस्थी के लिए हरी झंडी ना मिलने के बावजूद उन्हें फिर से और अधिक ताकतवर बनाना योगी सरकार के लिए कोई आसान फैसला नहीं था। सेवा विस्तार ना मिलना कहीं ना कहीं उनके प्रति केंद्र सरकार के असंतोष का एक कारण भी माना जा सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी दूसरे कलेवर के नेता हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अवनीश की सेवाएं उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले समय में भी उपयोगी रहेगी, इसलिए उनका प्रभावशाली और शक्तिशाली रहना अभी और लंबे समय तक आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।